क्या हो अगर एलोवेन गुड़िया एकदम से जिंदा हो जाए? वो पक्का अपने कैप्सूल में फिट नहीं हो पाएगी। मेरे पास इस दुनिया की सबसे दुखी एलोवेन गुड़िया है। ये इतनी उदास दिख रही है कि जैसे किसी मुसीबत से गुजर रही हो। काश मेरी सपनों की सुंदर एलोवेन गुड़िया की तरह दिखती। मैं पूरे मन से यही चाहती हूँ। गुड नाइट गुड़िया। उसी रात एक जादू हुआ। हमारी एलोवेन गुड़िया जिंदा हो गई। हमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? जब तक हमारी मालिक सो रही है, हम एक एलोवेन स्टाइलिस्ट के पास होकर आ सकते हैं। ये ललिता ड्रेस है, दुनिया की मशहूर गुड़िया स्टाइलिस्ट। अब ये बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। ये प्रिंटेड बॉडी सूट को पहन लो। घुंघराले बालों वाली लड़की पुराने बॉडी सूट की एक बाजू को टेढ़ी लाइन में काट ले। इसे मोड़ दे और काले धागे से सिल दे। बॉडी सूट पर काला फैब्रिक पेंट करें। अलग अलग तरह के आकार और प्रिंट्स बनाएं। वाह, क्या बेहतरीन बॉडी सूट है। बियॉन्से भी जल जाएगी। ये मुझ पर बहुत प्यारा लग रहा है। आओ चलो अपना सामान ले लो। मैं जल्दी से, जब तक ललिता ड्रेस मेरी घुंघराले बालों वाली दोस्त के साथ बिजी है, मैं अपने लिए एक ड्रेस देख लेती हूँ। और उसके साथ क्या हो रहा है? काफ, टोपी, फर कोट, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। ये लड़कियों के लिए बेहतरीन एलोवेल बेल्ट है। एक प्लास्टिक रिबन पर हॉट ग्लू से हुक लगा दे। रंगीन फोम पेपर से एलोवेल गुड़िया के सिर के हिस्सों को काट दें। इन्हें एक साथ चिपका दें। एक प्रिंटेड चेहरा लगा दें। काले एक्रिलिक पेंट से इसके सफेद बालों पर कर्ल करें। चेहरे पर पारदर्शी नेल पॉलिश को कोट करें। डॉल को हॉट ग्लू से हुक पर चिपका दें। क्या मैं इस पर ट्राई करूं? बहुत बढ़िया, ये एकदम सही एक्सेसरी है। धन्यवाद ललिता ड्रेस। अब मेरी दोस्त ने ये क्या पहना है? एक रोज पहनने वाला आम सफेद टी शर्ट। ऐसा नहीं चलेगा, हमें इसे ठीक करना होगा। सफेद टी शर्ट के अंदर एक बोर्ड रखें। एक स्टेंसिल को दो तरफ टेप से उस पर चिपका दें। स्टेंसिल पर काले फैब्रिक पेंट से कलर करें। स्टेंसिल हटा दें। बाजू और नेक लाइन को भी काले रंग से पेंट करें। लिखे हुए हिस्से पर फैब्रिक लाइनर से लाइनिंग करें। जब पेंट सूख जाए तो लेबल को सुरक्षित करने के लिए टी शर्ट को प्रेस करें। अब ये ड्रेस ज्यादा स्टाइलिश है। तुम देख सकते हो कि तुम किस से डील कर रहे हो। ललिता ड्रेस को कहीं जाना है। उसे बार्बी के घर से एक इमरजेंसी कॉल आया है। अरे, पर हमारा क्या? जब तक स्टाइलिस्ट दूर है, हम अपना खुद का आउटफिट ढूंढ सकते हैं। देखो, ये स्कर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई थी। एक वेलक्रो के टुकड़े को हॉट ग्लू से चिपका दे। रिबन के किनारों को अंदर की तरफ मोड़ दें। वेलक्रो के दूसरे हिस्से को इलास्टिक के दूसरे हिस्से पर चिपका दें। 23 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ी पट्टियों में काट दें। इन पट्टियों को इलास्टिक रिबन पर बांधें। एक स्कर्ट का आकार बनाएं। जहाँ बेल्ट जुड़ रहा है वहाँ ट्यूल को चिपका दी। तुमने पहचान लिया, ये मेरा पसंदीदा रंग है। मैं इसे पहनकर देखती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत ही फूली हुई है। मैं इसमें एक एलोवेल स्टार जैसी दिख रही हूँ। और मुझे अपने पंक आउटफिट से मैच करने के लिए कुछ स्टाइलिश कंगन मिले हैं। एक चौड़े टेप बॉबिन पर काले फोम पेपर को लपेट दें।
अंदर वाले जोड़ को कवर करने के लिए अंदर की तरफ एक फोम पेपर की पट्टी चिपका दें। लाइट लेस स्पाइक्स बनाएं। इन्हें सिल्वर एक्रेलिक पेंट से कोट कर दें। ब्रेसलेट पर स्पाइक्स को ग्लू से चिपकाएं। वाह, स्पाइक्स वाला एक चौड़ा ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे अपने लुक के लिए चाहिए था। चलो चलते हैं। हे, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम एक बार में हैं, पर ये जगह गुड़िया के लिए तो नहीं लगती। और बारटेंडर ने पहली बार इतनी अजीब सी क्लाइंट देखे हैं। ये लो, ये ड्रिंक हमारी तरफ से। पर हमारी गुड़िया ये नहीं पीती। क्या आपके पास कुछ है गुड़िया के लिए? बारटेंडर ने कभी गुड़िया के लिए कुछ नहीं बनाया, पर लोलिता ड्रेस ने हमेशा की तरह हमें बचा लिया। ड्रिंक को एक एलोवेर जार में बदल दिया। एक जार पर प्राइमर कोट करें। इसे सफेद एक्रिलिक पेंट से रंग दें। पॉलिश की एक परत लगाएं। अब इसके चारों ओर काली नालीदार कार्डबोर्ड की पट्टी को लपेट दें। ढक्कन को ग्लू से कोट करें और इस पर ग्लिटर छिड़कें। वाह, धन्यवाद। ये जार सबसे स्वादिष्ट। क्या तुम्हें भी कुछ एलोवेल नेट चाहिए? नहीं, मुझे मेरा तोहफा चाहिए। घुंघराली बालों वाली लड़की को ही सभी चीजें क्यों मिलती है? चलो रोना बंद करो। एलोवेल लेटेस्ट कलेक्शन में से हैंडबैग ले लो। एक हैंडबैग बनाने के लिए स्टायरोफोम के 5 टुकड़ों को हॉट ग्लू से चिपका दे। एक तरफ से कट बनाए और एक जिपर लगा दें। बिल्कुल बीच में सफेद फोम पेपर का एक टुकड़ा मोड़ दें। फोल्ड पर हॉट ग्लू लगा दें। इसे थोड़ा काट दें। इसे बैग के ऊपर की तरफ लगा दें। किनारों पर ग्लू से ट्रायंगल लगा दें। फोम पेपर से एक ट्यूब बनाएं। इसे ऊपर की तरफ चिपकाएं। बेल्ट लूप्स को हॉट ग्लू से किनारों पर चिपका दें। बेल्ट को अंदर रखें। बैग के ऊपर स्टेंसिल और एक्रिलिक पेंट से लेबल बनाएं। बहुत बढ़िया, क्या शानदार तोहफा है। एक बैग। मैं पूरी दुनिया की सबसे स्टाइलिश एलोवेल डॉल बनूंगी। धन्यवाद और अलविदा। हमें बस अपने बालों का स्टाइल बनाना है। ये एलोवेल ब्यूटी सैलून हमारे इसी काम के लिए है। मैंने एकदम से स्टाइलिश हेयर स्टाइल पर काम करना शुरू कर दिया। माथे से शुरू करते हुए एक रिवर्स फ्रेंच ब्रेड बनाएं। थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचें, इसे भरा भरा सा दिखाने के लिए। अब दोनों साइड को पिंक हेयर स्प्रे से रंग दें और चोटी को ब्लू पेंट से। अब साइड्स पर तेंदुए के प्रिंट्स बनाएं। क्या तुम्हें मेरा अपडेटेड लुक पसंद आया? मैं दुनिया का अब तक का सबसे प्यारा पंख हूँ, है ना? क्या तुम्हें अपने बाल नहीं बनाने? नहीं, मुझे नहीं बनाने। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए दिलचस्प एक्सेसरी है। गुलाबी ट्यूल में एक गुलाबी रंग का एक टुकड़ा लपेटें। इसे केंद्र में से इकट्ठा करें और इसे सिल दें। सिलाई वाली जगह को फेल्ट और ट्यूल से ढक दें। बो को हेडबैंड से चिपकाएं। इस बढ़िया बो को देखो, ये तुम्हारे आउटफिट से मैच कर रही है। अब मैं सबसे बड़े कदम के लिए तैयार हूँ, एक टैटू।
टैटू बनवाना एक कैलोमेल डॉल के लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज उसे समझाओ, वो इसकी जगह टेम्परेरी टैटू बनवा सकती है, उसमें दर्द भी नहीं होगा और सुरक्षित भी है। ठीक है, तुम जीतो दोस्त, मेरा टैटू इंतजार कर रहा है। मैं एक टेम्परेरी स्टार बनाऊंगी। मैंने सिर्फ एक स्थायी टैटू लगाया। और इसे गीले स्पॉन से भिगो दिया। एक गुड़िया के हिसाब का टैटू बन गया। अब मैं चमक रही हूँ। और तुम्हें कौन सा टैटू चाहिए? पर मैंने अपना विचार पहले ही बदल दिया था, वो वैसे भी अच्छी दिखती है। ओह, क्या समय हुआ है, हमारी मालकिन जागने वाली है, हमें चलना चाहिए। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। वाह, जादू काम कर गया, मेरी अलवल गुड़िया सुंदर हो गयी। क्या आपको हमारे एलोवेल मेकओवर पसंद आए तो कमेंट्स में लिखकर बताएं कि कौन सी जिंदा एलोवेल गुड़िया आपको पसंद आए, टार या विद्रोही। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।